हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। 25 और 26 तारीख की रात को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में मल्टीपल अटैक्स किए गए, जिसमें कुछ गन फायर भी थे और बम धमाके भी थे। और इस पूरे अटैक में जो कहा जा रहा है वो कम से कम 100 लोगों की इसमें जान गई है। और एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि बहुत ही टारगेटेड तरीके से पंजाब प्रोविंस के लोगों को मारा गया है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअल्टीज अब तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और कितने अलग अलग लोकेशंस पे अटैक किया गया था इसके बारे में भी नहीं बताया गया। लेकिन हम एक चीज बहुत ही स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस मैसिव अटैक को अंजाम दिया गया, कम से कम एक सालों में इतना हेवी कैजुअल्टीज एक ही दिन में पाकिस्तान को नहीं उठाना पड़ा है। किसी भी चीज को समझने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो होता है मैप के जरिए। ये है पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस का एरिया। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दो बलूचिस्तान है, एक बलूचिस्तान तो पड़ जाता है पाकिस्तान में और दूसरा पड़ जाता है आपका ईरान में। और चाहे बलूचिस्तान ईरान वाला हो या पाकिस्तान वाला हो, ये दोनों अपने आप को एक ही फैमिली के मेंबर्स मानते हैं। और जहां तक बात किया जाए इकोनॉमिक कंडीशन का, तो दोनों बलूचिस्तान प्रोविंस का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहद खराब। जो रिसेंट अटैक किया गया है 25 और 26 तारीख की रात को, वो किया गया है कलात में, ये सब डिस्ट्रिक्ट है नौशकी में, और यहाँ पे कुछ और आसपास एरियाज में किया गया है। अगर आप पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल लोकेशन से अगर आप थोड़े बहुत भी वाकिफ है तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेजॉरिटी ऑफ एरियाज में जो रोड है वो समतल जमीन पे नहीं है। कहने का मतलब है कि बड़े बड़े पहाड़ों को काट के या किसी भी तरीके से पहाड़ों के बीच से रास्ता को बनाया गया है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दर्रे हैं, और कितनी बार ऐसा भी देखा गया है कि रोड के जस्ट बगल में 100 फीट या 50 फीट के बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक कि डेड बॉडी रिकवर नहीं हो जाता है तो किसी के लिए भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअल्टीज बता पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और दूसरी बात, जब किसी भी सरकार के ऊपर इतना ह्यूज अटैक किया जाता है तो वो सरकार भी अपने मोराल को डाउन नहीं करना चाहते हैं, और उस कारण से भी वो किसी भी तरीके से जो नंबर ऑफ कैजुअल्टीज है उसको सोचते हैं छुपाने के लिए। साथ में अगर हम बात करें तो आखिर में पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है और मेन पाकिस्तान है, यानी कि जो पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट कह ले, यानी कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस है, उनके और इनके बीच में रिलेशंस बेहद खराब है। इसके पीछे का एक नहीं बहुत सारे वजह है। अगर इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से रखना चाहें तो पाकिस्तान कंप्लीट तरीके से एक फेल्ड स्टेट है, और साथ में बलूचिस्तान प्रोविंस को जानबूझ के इसको इग्नोर किया गया है। और आज के डेट में सिचुएशन कुछ ऐसा हो रखा है कि बलूचिस्तान प्रोविंस में जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि पानी हो गया, बिजली हो गया, या एक बहुत ही छोटा सा हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गया, ये सारे चीज मिसिंग। और उसके बाद पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है वो बलूचिस्तान प्रोविंस ही पड़ता है, और बलूचिस्तान में भर भर के आपका गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, और बलूचिस्तान प्रोविंस में लगभग 1600 से भी अधिक माइंस है। तो कहने का मतलब है कि बलूचिस्तान प्रोविंस अपने आप में काफी मिनरल रिच स्टेट है, लेकिन बलूचिस्तान प्रोविंस के जो लोग हैं उनका जो कल्चर है या उनका जो एथनिक ओरिएंटेशन है वो कंप्लीट तरीके से अलग है आपका होल पाकिस्तान से, खास करके पंजाब प्रोविंस वालों से। और क्योंकि पाकिस्तान का जो पॉलिटिक्स है वो डोमिनेट किया जाता है पंजाबियों के द्वारा। जब मैं पंजाबी कह रहा हूँ तो ये पंजाबी मुस्लिम है, और जब मैं बलूचिस्तान कह रहा हूँ तो ये बलूच मुस्लिम है। दूर से बैठ के आपको ये लग सकता है कि पाकिस्तान एक होल मुस्लिम नेशन है, तो यहाँ पे तो इनके बीच में आपस में बहुत ही अच्छे रिलेशन होंगे। तो देखिए, एक होता है कि अपने दिमाग में हम ख्याल बैठा के रखते हैं, और दूसरा होता है कि हम आर्टिकल्स वगैरह को पढ़े और हम जानकारी इकट्ठा करें। क्योंकि बलूचिस्तान एक मिनरल रिच प्रोविंस है और यहाँ के लोगों का जो मेन पॉलिटिक्स है वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इस चीज को अगर हम बहुत ही न्यूट्रल तरीके से रह के समझेंगे तो हमें समझ में आता है कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी होता है कि हम इंक्लूसिवनेस को डेवलप करें। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान में अपराइजिंग हो रहा तो उस अपराइजिंग को हमें समझना है और कोशिश करना है कि क्या हमारे देश में भी वो हो रहा है, या तो क्या हमारे देश में वैसा होने का पॉसिबिलिटीज बनता है। ये भले अटैक पाकिस्तान में हुआ हो लेकिन वहां से भी हमें बहुत कुछ समझना चाहिए। एक तो बलूचिस्तान प्रोविंस के लोगों का पाकिस्तान के पॉलिटिक्स या किसी भी तरीके से डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं रहा, और जानबूझ के इनको इग्नोर किया गया, और किसी भी तरीके से अगर ये अपनी आवाज को उठाना चाहें तो उनकी आवाज को बहुत ही ब्रूटल तरीके से सप्रेस कर दिया गया। और आज के डेट में रिजल्ट ये हो रखा है कि कम से कम 6000 या उससे भी अधिक लोग बलूचिस्तान प्रोविंस में मिसिंग है, और ये लोग जो मिसिंग है वो किसी भी तरीके से बलूचिस्तान की आवाज को बुलंद कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और वहां
के पॉलिटिशियंस के खिलाफ वो कह रहे थे। तो कहने का मतलब है कि जानबूझ के इनको उठाया गया और किसी भी तरीके से इंटरोगेशन में इनको मार दिया गया, और जब ये मर गए इंटरोगेशन में तो इनकी लाश को अलग अलग जगह पे दफन कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि सरकार इनकी बातों को ना सुन के इनके ऊपर और भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये लग रहा कि ये अपने ही लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके अपनी बात को मना लेंगे। और उसके बाद एंट्री होता है चाइना का सिल्क एंड रोड इनिशिएटिव का, जिसके तहत चाइना को ये मालूम है कि बलूचिस्तान में भर भर के मिनरल्स हैं, और चाइना आज के डेट में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो चाइना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है तो इसका मतलब ये भी होता है कि उसको कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए होता है रॉ मटेरियल का। तो वो किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, वहां के जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको पैसे वैसे खिला के बलूचिस्तान प्रोविंस के बहुत सारे जो माइंस है उसको वो लीज पे ले लिए और स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने लोगों को बलूचिस्तान में शिफ्ट कर दिए। तो एज अ रिजल्ट ये होता है कि जो सिविलियंस होते हैं बलूचिस्तान के, उनका जमीन भी चला गया, उनको कुछ मिला भी नहीं, और बलूचिस्तान कभी भी अपने आप को पाकिस्तान के साथ वो कनेक्ट ही नहीं कर पाया। तो इसको अगर आप बहुत ही आसान शब्दों में समझना चाहेंगे तो आपकी जमीन को हड़प लिया गया है, आपको बदले में कुछ नहीं मिला, और बहुत पहले से ही आप कभी पाकिस्तान से अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो कहने का मतलब है कि गुस्सा पहले भी था और वो गुस्सा समय दर समय मल्टीप्लाई होता रहा, और आज के डेट में बलूचिस्तान प्रोविंस के जो लोग हैं वो इतना ज्यादा नफरत करते हैं पाकिस्तान से या वहां के आर्मी से कि ये हथियार उठा लिए हैं। तो सिचुएशन कुछ यूं हो रखा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा। अब जैसे कि भारत में रिजर्वेशन को लाया गया, कुछ लोग रिजर्वेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जो मेरा व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि रिजर्वेशन को भी समय दर समय इसमें रिव्यू करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए जो किसी भी तरीके से आज भी डिप्राइव्ड है, ना कि उनको जो रिजर्वेशन लेके आगे बढ़ चुके हैं और मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि बलूचिस्तान प्रोविंस में भर भर के ऑयल है, नेचुरल गैस है और मिनरल्स वगैरह है, लेकिन बलूचिस्तान प्रोविंस के जो लोग हैं उनका अपने ही प्रॉपर्टी पे उनका हक नहीं है और उनको समय दर समय उनको सप्रेस किया जा रहा। और उसके बाद अगर आप सिंपली देखेंगे, चाहे इमरान खान हो गया या असीम मुनीर हो गए जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, या बहुत हद तक जो पाकिस्तान का क्रिकेट है या जो भी इनके पास स्पोर्ट्स वगैरह आज के डेट में बचे हुए हैं, इन सभी स्पोर्ट्स वगैरह में जो मेन पार्टिसिपेशन होता है वो पंजाब प्रोविंस के लोगों का होता है, और बहुत हद तक जो पंजाब प्रोविंस के लोग हैं ये अपने आप को एक बहुत ही सुपीरियर रेस का समझते हैं। और जहां तक बात किया जाए टेररिस्ट का, तो पाकिस्तान अगर इस वर्ड को यूज करता है टेररिस्ट, तो ये अपने आप में काफी हंसी वाली बात होती है। पाकिस्तान एज अ नेशन ये बढ़ चढ़कर मुजाहिदीन हो गया या आर्म्ड ग्रुप को अपने देश में ट्रेनिंग दिया है, और ये ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी, ISI और वहां के जो पॉलिटिशियंस थे उन सभी के अग्रीमेंट से हुआ है। और आज के डेट में पाकिस्तान में जो रेडिकलिज्म है वो इतना ज्यादा फैल चुका है कि पाकिस्तान के लिए खुद उस चीज को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। जो पाकिस्तान कल तक अलग अलग देशों में टेररिस्ट को भेजता था, एक्सपोर्ट करता था, आज ये वही पाकिस्तान है जो खुद टेररिज्म से ग्रसित है। और जहां तक बात किया जाए कि ये जिनको आज टेररिस्ट कह रहे हैं, ये भी काफी पॉसिबिलिटीज है कि ये इनोसेंट लोगों को मार के ये दिखा रहे हैं कि ये टेररिस्ट को मार दिए हैं। तो अगर आप इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझना चाहें, तो जिस तरीके से पंजाब प्रोविंस के लोगों का डोमिनेंस है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में और तकरीबन हर जगह, तो ये बहुत बड़ा रीजन बन जाता है क्यों पाकिस्तान में इस तरीके से अटैक होते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू In the next video, have a wonderful day. Thank you. Take care. Goodbye.